क्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम लोग अपने पल्ली के पर्व के उपलक्ष्य में 9 दिन की प्रार्थनाएं शुरू की है और आज उसका 4th दिन है। आज हम माता मरियम कलीसिया का मां विषय पर मनन चिंतन करते हैं। कलीसिया की उत्पत्ति हुई खून से। कलीसिया बड़ी हुई थी खून की गंध लेकर। खून खराबा करके नहीं, बल्कि अपने विश्वास को सजीवन रखने के लिए सोजीवन त्याग करके। कलीसिया की प्रथम दिनों में से लेकर यीशु भक्तों के साथ थी माता मरियम। वो तब भी थी, अब भी है, क्योंकि वो हमारी माता है। हम उनकी बच्चे हैं, वो हमको संभालती हैं जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को संभालती। बिखरे हुए शिष्यों को एक सूत्र में बांधे रखती, प्रार्थना में, भोजन में, प्रवचन में, पवित्र आत्मा के आगमन के प्रतीक्षा में वो साथ दिया शिष्यों के लिए, संकल्प बनकर, हिम्मत बनकर और उदाहरण बनकर। दूसरा इतिहास 7वां अध्याय में हम एक माता की तस्वीर देखते हैं, अपने 7 नौजवान बच्चों को हिम्मत देते हुए, संकल्प देते हुए, घोर पीड़ाओं के बीच में भी कहती हैं, इस दुनिया की जीवन से स्वर्ग राज की जीवन मूल्यवान है, और अपने बच्चे उसमें दृढ़ संकल्प लेकर अपने जीवन कुर्बान करते हैं। माता मरियम कलीसिया का माता है, याद करो। जरूर आज के दिन हमें याद करने की जरूरत है कि कैसे माता मरियम यीशु के जन्म के समय चरवाहों के दौड़ते हुए स्वर्गदूतों द्वारा गाए हुए गीतों की खुशखबरी सुनाई और वो उनकी मन में गूंजती रहती है। आज के दिन हमें याद करने की जरूरत है कि कैसे काना की विवाह के समय में माता मरियम ने आदेश दिया, ये जैसे कहते हैं वैसे करो। आज हमें याद करने की जरूरत है जैसे क्रूस के नीचे खड़े माता जी को हमारा माता बना दिया यीशु ने। हमें यह याद रखने की जरूरत है कैसे पेंतेकोस्त के दिन प्रथम क्रिस्ती समुदाय के साथ वो प्रार्थना की। ठीक उसी तरह हमारे साथ प्रार्थना करती है माता मरियम, हमारे लिए प्रार्थना करती है, पूरा विश्व के लिए प्रार्थना करती है, क्योंकि वो कलीसिया की माता है, हमारा माता है। तो भाइयों बहनों, हम एक साथ मिलकर माता मरियम की स्मृति विनती उनके साथ दोहराते हैं। याद कर हे परम दयालु कुवारी मरियम, कि ये कभी सुनने में नहीं आया कि कोई तेरी मदद मांगने और तेरी विनतियों की सहायता खोजने तेरे पास आया और तुझसे असहाय छोड़ा गया। हे कुवारियों की कुवारी, हे मेरी माँ, इसी आसरे से
मैं तेरे पास दौड़ आता हूं और कहराते हुए पापी के रूप में तेरे सामने खड़ा हूं। हे क्रिस्त की माँ, मेरी विनती अस्वीकार मत कर, पर दया से उसको सुन और पूरा कर। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आमीन। पापों से वैर और घृणा करता हूं
और मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि तेरे पवित्र कृपा से तेरे पुत्र के विरुद्ध कभी कोई अपराध नहीं करूँगा और पाप के जोखिमों से दूर रहूँगा। हे दया की माँ, इस नवेना के दिन में विशेष रूप से हमारे पारिश के सभी परिवारों को आपके सामने समर्पित करते हैं, साथ ही हमारे निजी निवेदनों को आपके सम्मुख रखते हैं। हे माँ, अपने मध्यस्थ द्वारा हमारे आवश्यक वरदान और कृपाएं इस नवेना प्रार्थना के द्वारा हमें प्रदान कर। हम सब माँ मरिया के साथ मिलकर प्रभु का गुणगान करें। प्यारे भाइयों और
हम अपने निजी निवेदनों को पवित्र माता के द्वारा पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हे प्रभु, हमारे संत पिता, धर्माध्यक्ष, पुरोहितों एवं सभी धार्मिक भाई बहनों का पथ प्रदर्शन कर। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। सभी तीर्थ यात्रियों की प्रार्थना और निवेदनों को तेरे सामने रखते हैं, उन्हें स्वीकार कर और उन्हें पूरा कर। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हम सभी बीमारों के लिए प्रार्थना करें, वे प्रभु यीशु की चंगाई को प्राप्त करते हुए अपना विश्वास प्रभु में मजबूत बनाते जाएं। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। हमारे सभी पल्लीवासियों के लिए हम प्रार्थना करें, वे अपने हृदय में माता मरियम की सच्ची भक्ति के लिए एवं श्रद्धा बढ़ाते जाएं, वे क्रिस्त की ज्योति को प्रज्वलित बनाए रखें। हे प्रभु, पवित्र माता द्वारा हमारा निवेदन स्वीकार कर। पवित्र माता से हमारे तन मन की शुद्धता के लिए प्रार्थना करें। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे माता, तेरे पुण्य फलों द्वारा मेरी आत्मा तथा शरीर को पवित्र कर। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर कि हम कृष्ण की प्रतिज्ञाओं में योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, तूने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, जिसने कुमारी मरियम की आत्मा और शरीर निष्पाप रहने का सौभाग्य प्रदान किया और सम्मान स्वरूप सशरीर स्वर्ग में उठा लिया है। उस मसीह से विनय करें कि हम भी अपनी आत्मा तथा शरीर को निर्मल रखें तथा ईश्वर के दर्शन योग्य बन जाएं, जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन।